डन। हेलो बच्चों, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल कमल एकेडमी कोच। तो जितने भी बच्चे जल्दी से ज्वाइन हो सकते हैं ऑनलाइन के लिए, जल्दी ज्वाइन हो जाइए जिससे कि ट्रिग्नोमेट्री वाले टॉपिक को हम कंटिन्यू कर पाएँ। तो आई गिव यू 2 मिनट फॉर दैट, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। और जो भी बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं वो शेयर कर सकते हैं इस लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ। गुड इवनिंग अनन्या, अनन्या कैन यू सेंड द लिंक टू योर फ्रेंड सो दैट शी मे ज्वाइन। गुड इवनिंग, हाँ जल्दी करो, जल्दी करो फटाफट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, वी कैन नॉट वेट टू मच, क्योंकि यहाँ हमारे साथ ऑफलाइन में भी बच्चे जुड़े हुए हैं तो हम ज़्यादा वेट नहीं कर पाएंगे बच्चों का। जो भी बच्चे ज्वाइन होते जाएं जल्दी जल्दी आते जाइए, वीडियो को लाइक करते जाइए और लगे रहिए। हाँ आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री अपने लास्ट सेशन में। ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट सेशन में हमने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो मैं जल्दी से एक बार यहाँ पर एक रिवीजन लेता हूँ अपने कुछ बच्चों की मदद से, जिससे कि वो दोबारा से आपका टॉपिक जो है वो रिवाइज हो सके। कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थे जिसमें कुछ एंगल्स के बारे में मैंने बताया था, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा मैंने क्या बताया था बच्चों, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, वेरी नाइस, बिल्कुल सही बताया आपने। कॉस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कॉट थीटा। और इनके कुछ फॉर्मूला भी मैंने आपको बताए थे, लाइक साइन थीटा इक्वल्स टू मैंने क्या बताया था, वन अपॉन कोसेक थीटा। कॉस थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी बताया था, या इसका एक फॉर्मूला वन अपॉन कॉट थीटा भी मैंने आपको बताया था। कोसेक मैंने क्या बताया था, वन अपॉन, और सेक थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी बताया था उल्टा, या वन अपॉन टेन थीटा भी बताया था। इसके अलावा मैंने आपको बताए थे कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज़ यूज टू मेजर द एंगल्स एज वेल एज द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, बिल्कुल सही बताया सभी बच्चों ने। तो राइट एंगल ट्राइंगल में भी मैंने आपको बेस और परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट समझाया था कि बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है और हाइपोटेन्यूज क्या होता है। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, और अगर मैं बात करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की, अगर मैं बात कर रहा हूं फॉर एंगल सी, आई एम टॉकिंग फॉर एंगल सी, देन व्हाट विल बी द बेस, दीपक क्या होगा बेस, बी सी, राइट दीपक, बिल्कुल सही बताया आपने। बी सी विल बी द बेस, ए बी विल बी द परपेंडिकुलर एंड ए सी विल बी द हाइपोटेन्यूज। लेकिन अगर मैं यही बात करता हूं एंगल ए के लिए कि कैलकुलेट द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर एंगल ए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ, समझते जाओ।
हाँ, तो मैं बात कर रहा हूं एंगल ए के लिए, अगर मैं बताता हूं तो बेस क्या होगा, ए बी विल बी द बेस, यानी कि ऐसा लाइन सेगमेंट जिस पे 90 डिग्री का एंगल और जो जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं वो दोनों एग्जिस्ट करते हैं वो बेस कहलाता है। जैसे सी की बात कर रहे थे तो सी और राइट एंगल दोनों एग्जिस्ट करते थे, किस पर, ए बी पर, सॉरी बी सी पर। और अगर हम बात कर रहे हैं ए की, तो ए बी लाइन सेगमेंट पर 90 डिग्री का एंगल और एंगल ए दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, तो जो गलती करने के चांसेस यहां से होते हैं वो हमारे खत्म हो जाते हैं इस पर्टिकुलर काम को। इसके अलावा मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी टू लर्न ऑल दीज रेशियोज, जो मैंने क्या बताया था, हरियाणा के गांव की कहानी, जिसमें बच्चे ने पूछा पापा बियर पियोगे, और पापा ने भी क्या कह दिया, हाँ हाँ बेटा। तो यहां से हम साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सबके बारे में पता कर सकते हैं। जैसे साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, बी इज बेस है, साइन कॉस टेन, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन, अगर हम बात करेंगे साइन का उल्टा क्या, कोसेक की बात करेंगे तो क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर सेक, ठीक है, और कॉट बेस अपॉन। तो यहां तक का काम हमने अपनी पिछली क्लास में किया था, ये सारा रिवीजन आपका हो जाता है। मैं जल्दी से स्विच करता हूं एक्सरसाइज नंबर 8.1 के एग्जांपल्स पर। 8.1 के एग्जांपल में से एक हमने एग्जांपल उस दिन किया था कि गिवन 10a इक्वल्स टू 4/3, इस टाइप का ही एक एग्जांपल हमने किया था, इफ 10a इक्वल्स टू 4/3 कैन यू कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल के लिए 10a इक्वल्स टू दे रखा है 4/3, तो उसके लिए बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की क्या वैल्यू होगी, कैन यू गिव इट, गिव द आंसर इन 2 मिनट। जल्दी से सारे बच्चे ऑफलाइन वाले करके बताएंगे और ऑनलाइन वाले भी करके बताएंगे, जल्दी से, आई गिव यू 2 मिनट फॉर दिस, जल्दी जल्दी करो, जल्दी सारे लोग। 10a इक्वल्स टू 4/3, ए बी सी, 10a इक्वल्स टू 4/3, और 10 इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये ट्रिक मैंने आपको बता दी याद दिलाने के लिए, जल्दी से देखिए और करिए। डन, तो जल्दी से मुझे बताएंगे, अश्मित सामने आकर सबको बताएंगे कि क्या क्या वैल्यूज आई हैं। आप अपनी कॉपी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉपी लेकर आ सकते हैं और मुझे बताइए आपने क्या किया, जल्दी से फास्ट। हाँ रुक सकते हैं, वी कैन वेट, अनुष्का आ सकती हैं, आ जाइए अनुष्का, अश्मित एक मिनट वेट करके आएंगे, जब तक आप आ सकते हैं। आपने क्या किया जरा बोर्ड पर बताओ, जल्दी से इधर बताओ, इधर हमने क्या किया, शाबाश, ऑफलाइन ऑनलाइन भी मेरे पास आंसर सारे हैं, वेरी गुड अनन्या, शाबाश। जल्दी 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 जल्दी, आप लोग अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी, कि क्या हमारे आंसर सही हैं या गलत, जल्दी जल्दी। अनुष्का और ऊपर लिख सकते हैं आप, नीचे से फिर वो कवर नहीं करेगा ना, यहाँ लिख दो, हाँ
शाबाश। हेलो समीक्षा, समीक्षा एंजॉयिंग हॉलीडेज। आप देख सकते हैं कि आपके सभी आंसर से आए हैं, जरा मैच करो सभी लोग। विनायक वर्मा बताइए कि आपके आंसर से यही आए हैं। अनन्या आपके आंसर से यही आए हैं। साइन ए इक्वल्स टू 4/5, बिल्कुल सही। कॉस ए इक्वल्स टू 3/5, कोसेक ए इक्वल्स टू 5/4, कॉट ए इक्वल्स टू बेस अपॉन पर्टिकुलर दैट इज 3/4, 4/3 दे रखा है तो 3/4 ही होगा, बिल्कुल सही है। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं टेन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको मान लिया 4x और इसको मान लिया 3x, तो इसको जब फाइंड करेंगे ये कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे और उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में पुट कर सकते हैं। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया ये वाला क्वेश्चन। चलिए इसी को अप्लाई करके, जल्दी करो, इसी को अप्लाई करके हम एग्जाम्पल नंबर 2 पर जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 इसको मैं यहाँ से साफ कर दे रहा हूँ, अब आप लोगों को याद रखना है और आप ही करेंगे। मैं आपको केवल हिंट दूंगा, सारे क्वेश्चन अब आप ही करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ 8.1 क्या कह रहा है कि अगर कोई दो ट्राइंगल गिवन है ए सी बी, एक ट्राइंगल है ए सी बी, ए सी बी और एक और ट्राइंगल है इसके साथ पी क्यू आर, ठीक है, दो ट्राइंगल हैं। हो सकता है थोड़ा आपको रिफ्लेक्शन आ रहा हो, केवल मैंने ट्राइंगल्स के डायग्राम बनाए हुए हैं यहां पर। आप देख सकते हैं ट्राइंगल्स के डायग्राम दिख रहे होंगे आपको, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और पीछे कर सकता हूं जिससे व्यू और क्लियर हो जाए बोर्ड का आप ले लिए, ठीक है। अगर बोर्ड क्लियर ना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो दो ट्राइंगल हैं ए बी सी और पी क्यू आर, इनमें एक्यूट एंगल्स हैं, तो यहां पर एक कंडीशन दी हुई है साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू। तो आपको प्रूव करके बताना है, प्रूव दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। कैसे कर सकते हैं जरा बताएंगे, क्या आप लोग कर पाएंगे इसको, कीजिए जरा देखते हैं। तो सबसे पहले तो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपको हिंट दे देता हूं, साइन बी और साइन क्यू की वैल्यूज को फाइंड कीजिए जल्दी से। फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन बी एंड साइन क्यू। निकला, निकालो पायल, ट्राई करो।
वेट करते हैं 2 मिनट, आई गिव यू 2 मिनट, सभी लोग ट्राई करो। डन, क्या करेंगे जरा बताओ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसकी साइन बी यानी कि इस वाले ट्राइंगल के लिए, और साइन इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, तो साइन बी, तो हम कहेंगे सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम यहां पे, साइन बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या है, साइन बी इक्वल्स टू गिवन है साइन क्यू के, तो साइन बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है एसी, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है बोलो, एसी अपॉन एबी। बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरे ट्राइंगल के लिए निकाल सकते हैं, दूसरे ट्राइंगल के लिए क्या होगी वैल्यू बताओ पायल, तुम बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है अपॉन, तो क्या हम यहां से इसको मॉडिफाई करके ऐसा लिख सकते हैं क्या, एसी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू, लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। अब क्या करेंगे, क्या हम किसी तरीके से इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं क्या, बताओ, और क्या हम इसको एक कांस्टेंट के इक्वल मान सकते हैं, क्यू के, या क्यू मान लें, या के मान लें, या एक्स मान लें, कुछ भी मान सकते हैं आप, आपके बुक में के माना हुआ है तो आप के मान सकते हैं, बताओ इससे आगे क्या करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आता है आपको, तो क्या आप वहां से कोई वैल्यू निकाल सकते हैं, बीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। नाउ Applying Pythagoras theorem, इस वाले ट्राइंगल को देखो तो आप क्या कह सकते हो, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या कह सकते हो यार बताओ, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस। अब देखो यहां पे कौन कौन सी साइड्स की बात हो गई, यहां पे एसी की बात हो गई, एबी की बात हो गई, किस साइड की बात नहीं हुई है, बीसी, जिस साइड की बात नहीं हुई है उसी साइड को आप निकाल लीजिए यहां से, बीसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी जरा देखो, बीसी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगी एबी स्क्वायर माइनस एसी स्क्वायर, हो जाएगी कि नहीं, तो बीसी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एबी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, यहां तक समझ में आया या नहीं आया। अच्छा, सिमिलरली इन ट्राइंगल पी क्यू आर कौन सी साइड की बात नहीं हुई, देखो जरा, पी आर की हो गई, पी क्यू की हो गई, किसकी नहीं हुई, तो क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ बोलो पी क्यू स्क्वायर माइनस, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, जब तक मैं बोर्ड पर और जगह बना लेता हूं, नोट करते जाइए साथ के साथ, नोट करते जाइए। क्या यहां से आगे हम ये लिख सकते हैं क्या कि हम अगर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, दोनों इक्वेशन मतलब बीसी अपॉन क्यू आर कर दें, तो जरा देखो BC अपॉन QR किसके बराबर आता है, सॉल्व करके चेक करो, BC अपॉन QR इक्वल्स टू जो भी इनकी वैल्यू है वो पुट कर दो, BC की वैल्यू क्या थी AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और इसकी क्या थी PQ स्क्वायर। अब मैं आपको 1 मिनट का वक्त देता हूं एनालाइज करने के लिए, क्या आप यहां से ए बी की
और ए सी की वैल्यू रख सकते हैं क्या? ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर की कोई वैल्यू रख सकते हैं क्या? क्या रख सकते हैं? क्यों? कैसे रख सकते हैं वो बताओ, वही तो समझने की बात है। बताओ महक, बताओ क्या कर सकते हैं, जल्दी बताओ, थोड़ा टाइम कम लो, एक ही क्वेश्चन में टाइम चला जाएगा, बट इम्पोर्टेंट है, बोर्ड्स में आया हुआ है कई बार। किसके कौन सी साइड बराबर है? रेशियो बराबर है, रेशियो। बताओ क्या करेंगे, जल्दी बताओ, जल्दी फास्ट, कोई भी लड़कों में से बताओ। विनायक वर्मा आप बताइए, हैं आपने ट्रिग्नोमेट्री किया हुआ है, आप बता रहे थे, बताओ अनुष्का कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए बी स्क्वायर की जगह? अच्छा, और ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, आओ करो, आई गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, कोई और देगा? अच्छा, इन्होंने तो अभी किया था क्वेश्चन, यशिका तुम ट्राई करोगी, अश्मित तुम ना, कोई और ट्राई करेगा? महक, वुड यू लाइक टू ट्राई? आओ अनुष्का, तुम करोगी, ट्राई करो, गलत की चिंता मत करो, गलत करोगे तभी सही होगा, करो आगे। ऑनलाइन में किसने क्या किया बताओ, ऑनलाइन में क्या हुआ? कुछ नहीं हो रहा है, जल्दी करो, नहीं अनुष्का, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, देखो, नहीं मैं इसीलिए पूछ रहा था आपसे, क्योंकि जनरली यही मिस्टेक होती है, वंस वी कैन क्लैप फॉर अनुष्का कि एटलीस्ट उसने ट्राई किया ना। देखो हम क्या करते हैं, अभी हमने यहाँ पर प्रूव किया था ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू के, तो हम इनको सेपरेटली ले लेते हैं, ए सी इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू के, तो ए सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? के पी आर। आपके एन सी ई आर टी में स्टेप्स को थोड़ा सा शफल अप कर देते हैं, वहां पर अपने आप को अप्लाई करना पड़ेगा, तो ए सी इक्वल्स टू क्या हो गया? के पी आर। सिमिलरली ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जरा देखो, के पी क्यू आएगा कि नहीं आएगा, बताओ जरा, आएगा कि नहीं आएगा? ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू के, तो ए बी इक्वल्स टू के पी क्यू, क्लियर है? अब हम वैल्यू पुट करेंगे अनुष्का, ठीक है, जो मिस्टेक आपसे हुई वो आप समझ गई होंगी, मैंने इसीलिए आपको बुलाया था, देख सकते हैं आप क्या करेंगे, ए बी की जगह क्या पुट करूं, जरा देखो, अब यहां से के पी क्यू का स्क्वायर माइनस, बोलो, के पी आर का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, नीचे अंडर रूट में कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, पी क्यू स्क्वायर माइनस, अब देखो ऊपर क्या आएगा, ऊपर वैल्यू आएगी के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस, कुछ बच्चे क्या गलती कर देते हैं, के स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ऐसा मत करना, पी क्यू एक सिंगल लाइन सेगमेंट है, के अलग है, हाँ इधर से क्या बचेगा, के पी आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखो के स्क्वायर कॉमन ले सकते हो ऊपर से, ब्रैकेट में बच गया पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो के स्क्वायर है तो के का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकल जाएगा, और ब्रैकेट में पूरा एक ब्रैकेट ले, पूरा एक रूट ले लिया मैंने, ऊपर बचा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अलग अलग भी ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
और नीचे भी क्या बचा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी, आपस में क्या कर गई, दोनों वैल्यूज कट गई, क्या आ गया, के आ गया। तो यहां से आपने क्या वेरीफाई किया कि बी सी अपॉन क्यू आर भी इक्वल्स टू क्या आ गया, के आ गया, ठीक है। क्योंकि सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल कहती है कि अगर किसी दो ट्राइंगल की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो, इक्वल हो, तो ऐसे ट्राइंगल्स कैसे होते हैं, सिमिलर। तो हम यहां से कह सकते हैं देयरफोर ए बी अपॉन, कौन सी साइड है जरा देखो, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू के। देयरफोर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए पी क्यू आर, पी क्यू आर। क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ा था सीपीसीटी, यहां पर होता है सीपीएसटी, कि सिमिलर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है। क्या बोलेंगे, बाय सीपीएसटी, देयरफॉर बाय सीपीएसटी क्या होगा, जरा बताओ क्या हो जाएगा, एंगल बी, समझ में आया। तो ये समझना बहुत आवश्यक होता है कि एनसीईआरटी ने अगर ये पर्टिकुलर लाइन लिखी तो वो कहां से आई। क्या सभी को समझ में आया, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनके भी, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट करूंगा मैं, चिंता ना करें आप लोग। आपके आया कृष्णा अग्रवाल, कहां से नहीं आया बताओ। हमने क्या किया, यहां से पहले इसकी वैल्यू फाइंड करी, हमने निकाला था ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू के। तो एक बार इसको के के इक्वल रखा और एक बार इसको रखा, तो यहां से ए बी और ए सी की वैल्यू आ गई। तो ए बी ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू के, तो ए सी इक्वल टू कितना आ गया, के पी आर, पी आर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया। ऐसे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू के, तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया, के पी क्यू। वहां पर ले जाके वैल्यू पुट कर दी, हमने वैल्यू पुट कर दी, जिससे कि क्या हुआ, सारा का सारा जो सिस्टम था वो सभी को समझ में आ गया। और आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे किस तरीके से सॉल्व किया गया। तो जल्दी से स्विच करते हैं, ऑन कर दो उनको, बिठा दो, जल्दी से स्विच करते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड की तरफ। तो लास्ट के दोनों बटन हैं अनुष्का, अब जाके बताओ, ऑनलाइन क्लास भी साथ साथ चल रही है इसलिए ना थोड़ा टाइम लगेगा बैठते हैं, और पंखा और लाइट ऑन कर लो इधर साइड से, सेकंड और थर्ड। हाँ हाँ, तो जल्दी से स्विच करते हैं हम एग्जांपल नंबर थर्ड पर। एग्जांपल नंबर थर्ड क्या कह रहा है बच्चों, कि कंसीडर अ ट्राइंगल ए सी बी राइट एंगल एट सी इन विच ए बी इक्वल्स टू 29 यूनिट, बी सी इक्वल्स टू 21, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू थीटा, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू थीटा, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोई कर सकता है इसको, वैसे मैं आपको बता दूं इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। लेकिन हमें यहां पर इसको वेरीफाई करके दिखाना है कैसे, एग्जाम्पल 3 में यहां पर लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, जो कुछ भी आपने सीखा है वो आपको यहां पर लगाना है। जब हम बात करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की, तो उसका मतलब होता है कॉस थीटा का स्क्वायर, क्या होता है उसका मतलब, ठीक है। हाँ, तो जल्दी से देखते हैं कि ट्राइंगल क्या कह रहे हैं, एक ट्राइंगल इन्होंने बनाया हुआ है, ए सी बी विच इज राइट एंगल एट सी, ए सी बी, और क्या क्या दी हुई है, साइड दी हुई है, हाइपोटेन्यूज है 29 यूनिट और ये दिया है 21 यूनिट। तो क्या आप परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं यहां से, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्या आप फाइंड कर सकते हैं यहां से, कैन यू फाइंड परपेंडिकुलर हियर,
not getting your response, be fast to respond beta. तो यहां से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब तीनों साइड्स हमारी पता चल जाएंगी तो हम क्या करेंगे, विल फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, जो जो पूछे हैं, पहले क्वेश्चन में पूछे हैं साइन कॉस, दूसरे में भी पूछे हैं कॉस साइन, तो आपको क्या निकालने हैं, दोनों के लिए दोनों की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की निकालनी है और कॉस थीटा की निकालनी है। क्या आप कर पाएंगे? अरे कर पाएंगे, समझ ही नहीं आया, कर पाएंगे? जोर से बोलो, ठीक है, अगर कर पाओगे तो हो जाएगा, ठीक है, चलो करो, देखते हैं कर पाओगे कि नहीं। शाबाश, वेरी गुड प्रथम, आई मीन समीक्षा, जल्दी करो, जल्दी करो, फटाफट जल्दी करो, आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। फर्स्ट में निकालना है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और सेकंड में निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उसके लिए आपको कॉस थीटा और साइन थीटा निकालने होंगे पहले। तो आप सबसे पहले फाइंड करो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, जल्दी। हाँ भाई, आपका बताइए क्या आंसर आया, जल्दी से बताइए क्या आंसर आया। एसी, एसी की वैल्यू कितनी थी, 20? 20 आई सभी की, हाँ ठीक है। अगर एसी की वैल्यू 20 आई तो जल्दी से मुझे समझाइए साइन थीटा की वैल्यू क्या आई। साइन थीटा निकालो, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज एसी अपॉन एबी, एसी अपॉन एबी। तो निकाल दो जरा, साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, एसी अपॉन एबी। एसी कितना आया, 20, तो 20 अपॉन 29 आया सभी का। और कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 20 लिख देता हूं, चलो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 21 अपॉन। अब अपने को क्या करना है, वैल्यू निकालनी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की, यही करना है कि नहीं। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा का होल स्क्वायर होता है इसका मतलब, है ना, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी आपकी, 21 अपॉन 29 का प्लस 20 अपॉन 29 का
जरा सॉल्व करके बता सकते हैं क्या? सरल चीज मैं बता देता हूँ आपको, कठिन चीज आप रहना। सरल चीज, 21 का स्क्वायर होता है 441, 29 का अपने आप करो, और 20 का होता है 400। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, 29 का होगा 841। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या? Yes, sir. 841 LCM आ गया। Yes, sir. क्या बचा है यहाँ से? प्लस 841 अपॉन 841 क्या आ गया? देखा, क्वेश्चन शुरू होने से पहले आंसर बता दिया हमने। कैसे बताया? नहीं, आइडेंटिटी होती है ये, इट इज एन आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। अब आपको साइन थीटा कॉस थीटा दोनों बताए। ऑप्शन सेकंड में आपको क्या निकालना है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जल्दी से निकाल दो, जरा देखें क्या आएगा आंसर। जल्दी से देखो क्या आएगा आंसर। क्या आएगा आंसर? अरे बताओ अश्मित, क्या आएगा आंसर? 41 अपॉन 841, क्योंकि जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 441 माइनस 400 अपॉन 841, तो क्या आएगा? 41 अपॉन 841 आएगा। केवल वैल्यूज पुट करनी है। आया कि नहीं आया बच्चों? जल्दी बताओ, सभी बच्चे बताएं जोर से एक बार। कितना जोर से बोलते हैं मेरे बच्चे, मेरे तो कान ही बहरे हो गए। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है? एक बार मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटा बता एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, आई मीन क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। कह रहा सर बोलता थोड़ा ही है, बट बिलीव मी हर क्वेश्चन बोलता है। हर क्वेश्चन आपसे कहेगा कि मेरा आंसर ऐसे निकलेगा, बस आपको निकालना है। तो जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 4 हम देखते हैं क्या कह रहा है ये, कि इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी टेन ए इक्वल्स टू 1 इफ। एग्जाम्पल नंबर क्या है? इफ टेन ए इक्वल्स टू 1, कौन सा ट्राइंगल है? ए बी सी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल डेट बी टेन ए इक्वल्स टू 1, देन वेरीफाई, देन वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना है भाई अपने को? क्या वेरीफाई करना है? 2 साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू 1, 2 साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू 1, यानी कि उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? साइन ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कॉस ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वेरीफाई करके देखना पड़ेगा, है ना? चलो देख लेते हैं भाई क्या होगा। सॉल्यूशन देखते हैं पहले क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? टेन ए इक्वल्स टू 1, और टेन इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1, यानी कि कह सकते हैं परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस। बताओ कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? पक्का कह सकते हैं? तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। कह सकते हो कि नहीं? पक्का कह सकते हो? अच्छा, तो क्या अब आप ए सी फाइंड कर सकते हो? इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी, ए सी सीधी लिख दूं अगर कहो तो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बोलो है कि नहीं? और ए बी इक्वल्स टू, तो या तो मैं ए बी की जगह बी सी लिख दूं या बी सी की जगह ए बी लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं लिख देता हूं ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? ब्रैकेट में रीजन लिख लेते हैं, बिकॉज ए बी इक्वल्स टू बी सी, तो बी सी की जगह हम ए बी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई? 2 ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? और यहां से ए बी, या इसको अंडर रूट 2 ए बी लिख दूं तो कोई दिक्कत?
क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? बताओ तनिष्का, सही है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है सर ने किया है तो सही है, सर तो गलत भी बहुत कर देते हैं। बताओ कनक, सही है पक्का? ऑनलाइन में बताओ भाई बच्चों, अनन्या सही है कि नहीं? समीक्षा सही है कि नहीं? सही है, फिर क्या है? बस निकल आया, वैल्यू निकालो साइन ए की। साइन ए इक्वल्स टू क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर कितना है? ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? अंडर रूट टू ए बी। ए बी से ए बी गया, क्या बचा? वन अपॉन कॉस ए बी निकालो। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है? बेस बी सी अपॉन अंडर रूट टू ए बी। लेकिन अभी आपने क्या पता किया था? ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो क्या लिख सकते हो आप? ए बी अपॉन अंडर रूट टू ए बी लिख सकते हो कि नहीं? ये भी क्या आ गया? नाउ टेक एल एच एस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, क्या वेरीफाई करना था? टू साइन ए कॉस ए, वैल्यू पुट करो। टू साइन ए की वैल्यू कितनी आई? वन अपॉन इंटू कॉस ए की वैल्यू कितनी आई? वन अपॉन, ठीक है, रूट टू इंटू रूट टू कितना होता है? तो ये हो गया टू अपॉन टू। कट कर दें तो क्या आएगा आंसर? वन ही आएगा, वन लैक तो नहीं आएगा पक्का? तनिष शर्मा बताओ, वन आएगा क्या? अरे एक बार जोर से तो बोल दो, पक्का है? हमेशा क्यों? टू अपॉन टू हमेशा वन नहीं आएगा है? यही तो पूछा, हमेशा आएगा कि नहीं आएगा? अनन्या वन आएगा कि नहीं टू अपॉन टू हमेशा? रिजुल गोयल, अच्छा आप भी जुड़ गए हैं, वेरी गुड। वन आएगा कि नहीं? देखो सब मजे ले रहे हैं, जिसका जो मन करता है तब आंसर करता है। जल्दी बताओ, नहीं ऑनलाइन बंद कर देंगे अभी क्लास। हाँ देखा, आ गया आंसर, देख कहते आंसर आ जाता है ऑनलाइन का। चलो आगे बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, इसको आप नोट कर सकते हैं, मैं आपको एक मिनट दे देता हूं, आप नोट कर सकते हैं जल्दी से, फटाफट फटाफट। जल्दी बताओ भाई, जल्दी हो गया? वीडियो में से कर लेना, वीडियो में से, ठीक करो या लोगे बताओ। चलिए तो इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोग बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन वीडियो चल रही है, मैं जानता हूँ आप बहुत शरीफ बच्चे हो, आप लोग थोड़ा थोड़ा मेरे से बोल सकते हो, बात कर सकते हो, मैं पूछ रहा हूँ तो उसका जवाब दे सकते हो। कह रहे हैं इन ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, पहले तो एक ट्राइंगल बना डालो फटाफट से। और ये बेचारा थोड़ा सा विटामिन डी की कमी हो गई है इस वाले ट्राइंगल में, इसलिए इसको बहुत छोटा बना दिया इन्होंने, सूख गया ये। तो ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, ओ नीचे है और क्यू ऊपर है ना भाई, यही दे रखा है, एग्जाम्पल फाइव ही है। हाँ, ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, ओ पी इक्वल्स टू सेवन, क्या क्या गिवन है? ओ पी इक्वल्स टू सेवन, आपको पूरा लिखना है गिवन में, क्या लिखते हैं गिवन में? अ ट्राइंगल ए, नहीं ए नहीं है, क्या है? पी ओ पी क्यू राइट एंगल एट एट कहां पर है? पी, दैट इज एंगल पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। और क्या दिया है? ओ पी इक्वल्स टू सेवन। और क्या दिया है?
OQ minus PQ. OQ minus PQ equals to 1. 1 दिया है ना, 1. ठीक है, अब क्या करना है अपने को, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू. टू फाइंड क्या निकालना है, साइन क्यू एंड कॉस क्यू. साइन क्यू और कॉस क्यू निकालने के लिए सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, जल्दी बताओ क्या निकालना पड़ेगा अपने को साइन और कॉस निकालने के लिए. हमको साइड्स निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज किससे निकाले जाते हैं, साइड के रेशियोज से निकाले जाते हैं. तो सारे साइड हमें पता होनी चाहिए. तो हम कहेंगे सॉल्यूशन कर लेते हैं जल्दी से. इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज यानी कि ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, जरा देख के बताओ, पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा. हाँ, पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर है ना. और गिवन में क्या दे रखा था जरा देखो, गिवन में आपको दे रखा था ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1. तो क्या हम ओ क्यू की वैल्यू 1 प्लस पी क्यू कह सकते हैं क्या, पक्का कह सकते हैं. इस ओ क्यू की वैल्यू पुट कर दो, कर सकते हो, कर दो, कितना है जरा देखो, ओ क्यू इक्वल्स टू कितना है, 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर. और ओपी कितनी दे रखी है, 7, तो 7 का स्क्वायर. ए प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला आता है क्या, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू को 2pq लिख दूं, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49. देखो पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 2pq इक्वल्स टू 49 माइनस 1, 2pq इक्वल्स टू 48, pq इक्वल्स टू 48 अपॉन 2 यानी कि 20. यहां तक किसी को समझने में कोई समस्या आई हो तो बताओ, सेंटीमीटर. अब आपने pq निकाल लिया तो क्या oq निकाल सकते हैं 1 प्लस pq करके, तो 1 प्लस 24 oq कितना आ गया, सेंटीमीटर. बिल्कुल सही बताया आपने अनुष्का, PQ इक्वल्स टू कितना आया, 24 सेंटीमीटर. PO OP कितना है, 7 दे रखा था, और ये कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर. तो आपको सारी साइड्स पता चल गई, निकालना क्या है, साइन क्यू. अपना दिमाग लगाना सारे बच्चे, साइन क्यू बेस कौन सा होगा, PQ will be the base. Very good. तो sin Q equals to sin की value क्या होती है, perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular कौन सा हो गया, OP. और hypotenuse कौन सा हो गया, OQ equals to क्या लिख डालूं, 7/25. ठीक है, यूनिट क्या लिखूं, रेशियो है ये, रेशियो, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती. ठीक है, अच्छा कॉस क्यू क्या होगा बेटा, जरा बताओ, कॉस क्यू, हाँ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि पी क्यू अपॉन ओ क्यू कितना हो गया, 24/25. क्या आपको समझ में आया, जितने मेरे प्यारे बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं उनको समझ में आया, ऐसा तो नहीं ऑनलाइन बैठ के भेलपूड़ी खा रहे हो, हैं, रास्ते से जा रहा था भेलपूड़ी खा रहा था, ये सर को मिर्ची लगी, हम क्या करें, क्यों भाई बच्चों, नहीं आंसर आ रहा है, आ रहा है आंसर, पढ़ रहे हैं भाई बच्चे, है? आप लोगों को समझ में आया सभी को, जोर से बोलो, इनको भी तो सुनाई दे, वेरी गुड. तो आज एक्सरसाइज नंबर
8.1 मैंने आपको पूरा बेस समझा दिया है, एक भी क्वेश्चन इसका ऐसा नहीं होगा जो आप लोग ना कर पाए, ठीक है। कल से मेरी रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, गरीब आदमी हूँ बेचारा, कि आप सब लोग 4:45 बजे से लिंक पर आ जाएं, अपने आप आ जाया करें YouTube पर, क्योंकि जो टाइम हमारा 5-7 मिनट का 10 मिनट का वेस्ट होता है वो बच जाएगा और पूरी क्लास हम 1 घंटे की ले पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा, और कल फिर मिलेंगे 5 बजे। कल कोई ना कोई साइंस का टॉपिक लेके हम लोग मिलने वाले हैं, इसलिए बने रहिए कमल एकेडमिक कोच पे और 100 out of 100 के टारगेट को कभी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर पेशेंटली, गुड डे, बाय बाय। बंद होने का इंतजार ही कर लेती लाली, भाग थोड़ी ना हूँ लेके तेरी किताब।